पांचवीं सदी हिजरी के आखिर में सुल्तान मलक शाह सलजूकी के शाम पर हमलों के बाद फातिमी हुकूमत का खात्मा यकीनी नजर आ रहा था, मगर इसी दौरान सुल्तान मलक शाह वफात पा गए। फिर जब ईसाइयों ने शाम के साहिलों पर कब्जा किया और बैतुल मुकद्दस शरीफ के सकूत के बाद सलजूकियों में इतना दमखम बाकी ना रहा कि वो मिस्र की तरफ तवज्जा दे सकते। इस तरह मिस्र की फातिमी हुकूमत सलजूकी हुक्मरानों और उनके वरासा से मुकम्मल तौर पर महफूज हो गई। मुअर्रखीन ने यह बात तस्लीम की है कि खुद फातिमी हुक्मरानों ने अक़वामे यूरोप को शाम पर हमले की तरगीब दी थी ताकि वो सलजूकियों की तवज्जो मिस्र से हटा सकें। अगरचा शाम के साहिलों पर कब्जा करने के बाद ईसाई मिस्र पर हमला करने के लिए भी पर तोलने लगे थे, मगर फातिमियों ने बेशुमार दौलत बतौर खिराज अदा करके इनके फौरी हमलों का खतरा टाल दिया था। पांचवीं सदी हिजरी के वस्त के इस नाजुक जमाने में हम तीन ताकतों को मशरक़ के वस्ता के संगम पर आमने सामने देखते हैं। एक तरफ तो साहिल शाम और बैतुल मुकद्दस शरीफ पर ईसाई काबज थे और दूसरी तरफ शाम के हुक्मरान नूरुद्दीन जंगी थे। इन दोनों ताकतों के सामने तीसरी ताकत मिस्र की फातिमी खिलाफत थी, जो इस वक्त इन दोनों की निस्बत अस्करी लिहाज से कमज़ोर तर और माली लिहाज से बाला तर थी। ईसाई और नूरुद्दीन जंगी दोनों ही ये जानते थे कि जिसने मिस्र पर पहले कब्जा कर लिया वही पूरे मुल्क शाम का मालिक बनेगा। मिस्र के फातिमी हुक्मरान जो इस वक्त अपने वुज़रा के हाथों खिलौना बने हुए थे, कुछ भी करने की सलाहियत नहीं रखते थे, मगर हकूमत मिस्र के स्याहो सपीद पर काबज उनके वुज़रा इस सूरत हाल को अच्छी तरह समझते थे, इसलिए वो नित नई चालों से कभी ईसाइयों और कभी नूरुद्दीन जंगी को फरेब देते रहे। मगर सियासी शतरंज की इस बाजी में एक मौके पर मिस्र के खिलाड़ी ऐसी फाश गलती कर बैठे जिसने उनकी पूरी हुकूमत का तख्ता उलट दिया। इन दिनों मिस्र का हुक्मरान आजद नामी एक नौ उम्र और नातजर्बाकार नौजवान था और इसका मातहत शावर सादी नामी एक होशियार अरब वजीर था जो सारे निज़ाम हुकूमत पर हावी हो चुका था। असूली तौर पर तो वो मिस्र के बालाई इलाके का गवर्नर था, मगर अमलन वो पूरे मिस्र पर राज करता था। 1163 ईस्वी में उसने फातिमी वजीर को कत्ल करके खुद वजारत का ओहदा संभाल लिया था। इस सूरत हाल से शावर के सियासी मुखालिफिन भी एक जगह इकट्ठे हो गए और उन्होंने बरकिया के नाम से एक मुसल्ला ग्रोह तैयार किया जिसका लीडर जरगाम नामी एक सालार था। जरगाम ने चंद ही दिनों में वजारत पर बजोरे शमशीर कब्जा करके शावर को भागने पर मजबूर कर दिया। शावर अपनी जान बचाकर मिस्र से भागा तो इसे नूरुद्दीन जंगी के सिवा कहीं जाए पनाह दिखाई न दी। उसने नूरुद्दीन जंगी से दरख्वास्त की कि इसे मिस्र की वजारत वापस दिलवाई जाए। उसने कहा कि इस मुहिम पर जितना भी खर्चा होगा वो मैं बर्दाश्त करूँगा और हर साल मिस्र की तहाई आमदनी दरबार जंगी में भेजता रहूँगा। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को मिस्र में सियासी और अस्करी मुदाखलत करने का बैठे बिठाए एक मौका मिल रहा था। चनाचे नूरुद्दीन जंगी ने इस पेशकश पर संजीदगी से गौर किया। इसी दौरान उनको ये इतला भी मिली कि मिस्र के नए वजीर जरगाम ने बैतुल मुकद्दस शरीफ के ईसाई बादशाह को भारी खिराज अदा करने के वादे पर इससे दिफाई मुआहिदा कर लिया है। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के लिए मिस्र और ईसाई हुक्मरानों का ये इतिहाद किसी तरह भी काबिले बर्दाश्त न था, खसूसन इसलिए कि यह इतिहाद दर हकीकत उन्हीं के खिलाफ तश्कील दिया गया था। उन्होंने फौरन ही शावर की पेशकश को कबूल किया और मिस्र पर हमले की तैयारियां शुरू कर दीं। उन्होंने अपने एक काबिल जर्नैल असदुद्दीन शेरको को तुर्कमानों का एक लश्कर देकर मिस्र की तरफ रवाना किया। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी भी इसी लश्कर में अपने चाचा असदुद्दीन शेरको के साथ थे। दरहकीकत ये लश्कर मिस्र में एक नई तारीख रकम करने जा रहा था। इस लश्कर ने सहराए सीना को अबूर करके मिस्र में दाखिल होना था। मिस्र में जरगाम को जब शामी फौज की पेशकदमी की इत्तला मिली तो वो घबरा गया। उसकी अपनी ताकत इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो इस शामी लश्कर का मुकाबला कर सकता। उसका वाहद सहारा बैतुल मुकद्दस शरीफ के ईसाई थे और वो उन्हीं से मदद लेना चाहता था।
लेकिन इसी दौरान नूरुद्दीन जंगी ने दमिश्क के गिर्दो नवा में ईसाइयों के मकबूजा शहरों की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी, ताकि ईसाइयों की सारी तवज्जो इस तरफ हो जाए और शेरकों का लश्कर आसानी के साथ मिस्र पहुंच जाए। शेरकों का लश्कर सबसे पहले सरहदी शहर बलबीस पहुंचा, जहां जरगाम के भाई नासरुद्दीन ने मुकाबला किया, मगर शिकस्त खाकर काहरा की तरफ भाग गया। इसके बाद आगे बढ़कर असदुद्दीन शेरकों ने काहरा का मुहासरा कर लिया। जरगाम मजबूर होकर मुकाबले के लिए निकला और एक मामूली मुकाबले के बाद कत्ल हो गया। शावर की दिली मुराद पूरी हो चुकी थी। शेरकों ने सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का वादा पूरा करते हुए शावर को दोबारा मिस्र का वजीर बना दिया और उसने पहले की तरह कारोबार हुकूमत संभाल लिया। शेरकों ने चंद दिन काहिरा के बाहर पड़ाव डाले रखा, ताकि शावर हुकूमत शाम को तहाई आमदनी का खिराज देने का वादा पूरा करे या इस बारे में कोई यकीन दहानी कराए। लेकिन शावर बला का फरेबी आदमी था, वो वक़्त गुजारता रहा ताकि शेरकों मायूस होकर वापस लौट जाए। शेरकों ने शावर को वादा पूरा करने की तलकीन की और वापस जाने से इनकार कर दिया। शावर ने जब यह सूरत हाल देखी तो उसने बैतुल मुकद्दस शरीफ के ईसाई बादशाहों को मदद के लिए पुकारा। इन दिनों यरूशलेम की रियासत का बादशाह अमालरिक था, जो शाम के तमाम ईसाई हुक्मरानों में सबसे ज़्यादा ताकतवर और बाअज़मत शुमार किया जाता था। शावर ने उसे लिखा कि अगर उसने मिस्र की फौरी मदद ना की और नूरुद्दीन जंगी की फौजों को सबक ना सिखाया तो नूरुद्दीन जंगी मिस्र पर काबज हो जाएगा, जिसके नतायज खुद ईसाइयों के लिए तबाह कुन होंगे। चनाचे शाह यरूशलेम एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर मिस्र की तरफ रवाना हो गया। इसी दौरान यूरोप के ईसाई बहुत सारे काफिलों की शक्ल में बैतुल मुकद्दस शरीफ की ज्यारत के लिए शाम के साहिलों पर उतर रहे थे। शाह यरूशलेम ने इन्हें सूरत हाल से आगाह किया और अपनी फौज में शामिल होने की तरगीब दी। चनाचे इन काफिलों से बहुत सारे लोग शाह यरूशलेम के साथ मिस्र की मुहिम पर रवाना हो गए। असदुद्दीन शेरकों को जब ईसाइयों की आमद की खबर मिली तो वो काहिरा के नवा से कूच करके बलबीस के किले में आ गए, क्योंकि उनको अपने दिफा के लिए एक किले की अशद ज़रूरत थी। अगरचा बलबीस का किला मिट्टी का था और ज़्यादा मजबूत भी ना था, मगर इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। शेरकों के किला बंद होने के फौरन बाद ही ईसाई फौजें भी मिस्र पहुंच गईं और मिस्र की फौज के साथ मिलकर उन्होंने बलबीस का मुहासरा कर लिया। दिन गुजरते चले गए और महसूरीन की हालत नाजुक तर होती गई। इन हालात में सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने यह फैसला किया कि सलेबियों के इलाकों पर हमला आवर हुआ जाए, ताकि शाह यरूशलेम की तवज्जो मिस्र के बजाय सलेबी इलाकों की तरफ हो और इस तरह शेरकों के लश्कर पर ईसाइयों का दबाव कम हो जाए। ये फैसला करते ही सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने ईसाइयों के शहरों पर जोरदार हमले शुरू कर दिए। उनका सबसे बड़ा निशाना हारम का किला था, जिसकी दिफाई अहमियत के लिहाज से ईसाई इसे बैतुल मुकद्दस का दरवाज़ा समझते थे। इससे पहले भी दो मरतबा सुल्तान नूरुद्दीन जंगी इस किले का मुहासरा कर चुके थे, लेकिन इसको फतह करने में कामयाब नहीं हो सके थे। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने अपनी पूरी ताकत के साथ इस किले का मुहासरा कर लिया था। वो जानते थे कि इस कामयाबी से ही बलबीस के मशहूर मुसलमानों की जिंदगियां वाबस्ता हैं। हारम को बचाने के लिए शाम की तमाम ईसाई रियासतों के हुक्मरान और उमरा अपनी फौजें लेकर पहुंचना शुरू हो गए थे। मुअर्रखीन ने लिखा है कि शहर के बाहर शहर की हिफाजत के लिए जमा होने वाले सलेबियों की तादाद 32,000 के करीब थी। और हैरत की बात तो यह है कि इन सारी कुवतों का मुकाबला करने के लिए हारम शहर को फतह करने के लिए जो लश्कर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी लेकर आए थे उसकी तादाद सिर्फ 4,000 के लगभग थी। सलेबियों ने जब देखा कि उनके लश्कर के मुकाबले में नूरुद्दीन जंगी के लश्कर की तादाद ना होने के बराबर है तो उन्होंने हमला करने में पहल की। जब सलेबियों ने मुसलमानों पर जोरदार हमला किया तो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का लश्कर उनकी हदायत के मुताबिक पीछे हटने लगा, जिसकी वजह से ईसाई ये समझे कि ये शिकस्त खाकर भाग रहे हैं। लेकिन जैसे ही ईसाई लश्कर शहर से दूर हुआ, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने उन पर जोरदार हमला करने का हुक्म दे दिया।
हारम के किले के बाहर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने सिर्फ 4000 के लश्कर के साथ सलेबियों के 32000 के लश्कर को बदतरीन शिकस्त दे दी। मुअर्रखीन ने लिखा है कि इस लड़ाई में 20000 सलेबी मारे गए और 5000 के करीब कैदी बने और बाकी भाग गए। इस शानदार फतह के नतीजे में सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने अंताकिया के बादशाह बोहेमोन, त्राबलस के बादशाह रेमंड और अडीसा के बादशाह जोसलिन सानी को गिरफ्तार कर लिया। हारम को फतह करने के बाद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने ईसाइयों के दूसरे शहरों पर हमले करना शुरू कर दिए। जब शाह यरूशलम को यह खबर मिली कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने हारम को फतह कर लिया है और ईसाइयों के दूसरे शहरों को भी फतह करता हुआ आगे बढ़ता चला जा रहा है, शाह यरूशलम जो इस वक्त मिस्र में बलबीस का मुहासरा किए हुए था, उसको अपने इलाकों की भी फिक्र होने लगी। लहजा उसने ये सूरत हाल देख कर शेर को सुलह की पेशकश की और कहा कि मैं मुहासरा ख़त्म करने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते ये कि मिस्र को मिस्रियों के लिए छोड़ दिया जाए। शाह यरूशलम ने यह मुआहदा किया कि इस पर ना तो मुसलमान कब्ज़ा करेंगे और ना ही ईसाई। मुसलमान अपनी फौजें लेकर दमिश्क वापस चले जाएंगे और ईसाई अपनी फौजें लेकर बैतुल मुकद्दस वापस चले जाएंगे। लहजा इस मुआहदे के बाद शेर को अपनी फौज को लेकर दमिश्क वापस आ गए और शाह यरूशलम अपनी फौज को लेकर बैतुल मुकद्दस शरीफ चला गया। इसी दौरान सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने ईसाइयों के दूसरे अहम किले बान्यास पर भी कब्जा कर लिया था। इस तरह मिस्र पर सलेबियों के इस हमले के बदले में सलेबियों के हाथ कुछ भी ना लगा, बल्कि शाम में उनके कई किले उनके हाथ से निकलकर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के पास जा चुके थे।